एक ही बार में 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336973720219। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com। बोली आदिम तीर्थ आदिनाथ भगवान की जय जय जय। गुणायतन के मूल नायक चंद्रप्रभ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेय शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की, जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य प्रवर विद्यासागर जी महाराज के जयदीपमान नक्षत्र के रूप में इस जगति में जगमगाते परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की निष्ठा में विराजमान सभी गुरु भक्तों एवं अपने अपने घर में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान पारस चैनल जनवाई चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से कर रहे सभी सुधीर साहब को आज हम सब पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं उन श्री चरणों से जो जगत विख्यात हैं। गुणायतन प्रणेता शंकर समाज प्रवर्तक भावनायक प्रवर्तक एवं संप्रेक्ष समाज के रूप में जिनकी सुमधुर वाणी हमारे मन को मोहिती तो ही है साथ ही हमारे उन सभी ज्वलन समस्याओं की सटीक समाधान प्राप्त करती है जिससे हम अपनी जीवनी दयानंदिनी को परिवर्तित करके अपने जीवन को धन्य कर पाते हैं। आज हम उन श्री चरणों से जुड़े उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि उनका वरदहस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिये नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव का मानसचित गुणायतन जो कुछ ही माह लोकार्पित होने वाला है जिसमें कारण बने आपका उदार आशय, आपकी उदारता, जिसके कारण इतना बड़ा न्यास जगत में प्रकट होने वाला है और जिससे जैन धर्म संवर्धित ही नहीं सुरक्षित भी होगा, संस्कृति सुरक्षित होगी, जैसे देखकर हम सब आश्चर्यचकित होंगे हम क्या देख रहे हैं। ऐसे गुणायतन से यदि आप आज तक नहीं जुड़े हैं तो अपने जीवन को उससे जोड़ करके अपने जीवन की अर्चना को गौरव प्रदान कीजिएगा। और आज जिन्होंने अपने आप गुणायतन संबद्ध किया है उनके नाम में उच्चार रहा हूं और जिन्हें जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करते हुए आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे। मैं नाम उच्चार रहा हूँ गुणातन संबंध होने वाले उन भव्यजनों के जिन्होंने रजत दान देकर के अपने जीवन धन्य किया है। रेखा विपिन सिंघई महाराजपुर ने, स्वर्ण दान देकर के कौटल्या कौशल्या पाटोदी जयपुर, श्रीमती मधु जैन धर्मपति श्री सतप्रकाश जैन भोपाल, बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया स्वर्ण दान देकर के, और तिलकमती जैन वैशाली नगर जयपुर, इन्होंने लगभग 25 ग्राम सोना स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान करके जीवन को अनुपम बनाया है, बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हो श्रीमती तिलकमती जैन तो शीघ्र से गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ मंच में आ जाएं। तिलकमती जैन उपस्थित जयपुर से। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान अभिषेक जी ऋषभ जैन, श्रीमती निधि जैन अहमदाबाद, श्री तरण जैन, दीपिका जैन, सतप्रकाश जैन, मधु जैन भोपाल, श्री कैलाश चंद संघी, श्री संजीव संघी, दीपचंद जी संघी जयपुर, ये संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हो तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरु आशीष प्राप्त करें। जो भी उपस्थित हो अपने स्थान में खड़े होकर आशीष प्राप्त कर लें और आपकी करतल ध्वनि इनके सदाशय की अनुमोदना करें। आज ऑनलाइन अपने आप को संबद्ध किया श्री पारसनाथ अनूप कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज जैन, मीनाक्षी जैन, प्रियांशी जैन, निमिषा जैन, वासु जैन नसीराबाद बिजनौर, बहुत बहुत साधुवाद। यदि ऑनलाइन उन्होंने अपने आप संबद्ध किया है आपकी कृतज्ञता धनी उन तक पहुंचे। सितुहा के रूप में श्री विकास सोनी, पद्मनी सोनी, श्री प्रमोद भव्या, पुष्पा अदिति सोनी मुरादाबाद संबद्ध हुए हैं, जो उपस्थित हैं तो सीखता से आ जाएं, हम इनका सम्मान करके हर्षित होंगे। विकास सोनी, पद्मनी सोनी उपस्थित हैं, आपकी कृतज्ञता धनी है, आइए गुरुदेव चरणों के अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए साधारण मदद कर रहा हूं श्रीमान भानु जी स्वाति जैन बारदाना वाले
ट्रस्टी माता बीना और श्री मुकेश जी मंजू जी जैन बीना ट्रस्टी माता सीखता से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, सम्मान करने की आपकी कृतज्ञता होनी निरंतर होती रहे। इसी क्रम में अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन से संस्थापक संस्कृत, आज संस्थापक संस्कृत में संस्थापित हुए हैं गुणायतन से श्री आनंद प्रकाश जी, श्रीमती इंदु जैन, अमित सुरभि पनास, श्रुति जैन अशोक नगर, शिक्षा से आ जाए गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ। इनके चारों भाई और बहनें शकुन दीदी ना प्रति बहन शकुन दीदी सागर, जिनके सब भैया बहन जितने भी हैं सबके सब गुणायतन से ट्रस्टी ग्रुप में संबद्ध हुए हैं, दीदी अपने स्थान में खड़े होकर अभिनंदन गुरुदेव कर लें, इनके सम्मान आप करतल ध्वनि, इनकी प्रेरणा से ये सारे के सारे भाई बहन गुणायतन संबद्ध होकर के जीवन को धन्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, बहन शकुन के आज उनकी तीन शेष बहने और दोनों भाई, चार बहने और दोनों भाई आज गुणायतन से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें सबसे अच्छी बात जिसके लिए मैं उल्लेख करना जरूर पसंद करूंगा कि इनको ट्रस्ट में जोड़ने वाले इनके बच्चे, इन बच्चों ने अपनी सैलरी से ये देने की बात की है, ऐसे परिवार की जोरदार अभिवंदना करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। गुणायतन से तो ये पूरी तरह खुद तो जुड़ी है, परिवार भी जुड़ा, आज ये ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, जरूर इनका अभिनंदन होना चाहिए। हाँ, इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के अमित जी पढ़ रहे साहब जो ट्रस्टी गुणायतन है, और श्रीमान कोमल चंदी आशा देवी जैन मैया ट्रस्टी गुणायतन, सम्मान करने के लिए जाए, इनका आप कुछ करता है निरंतर सम्मान करती रहे। इसी क्रम में शकुन दीदी को साथ में बुलाओ, शकुन दीदी को तो बुलाओ। हाँ दीदी, बोला तो दीदी, दीदी बहन दीदी सब दीदी यहीं पर रहेंगी, मंच में ही रहेंगी, जब तक चारों भैया दोनों भैया चारों बहन आते हैं तब तक यहीं रहेंगी, मंच में ही रहेंगी, आपकी कर्तव्य ध्वनि होती रहे। और स्वर्गीय अशोक कुमारी चौधरी की स्मृति में श्रीमती प्रमिला चौधरी अक्षय आकृति यश अदरिक चौधरी अशोक नगर, इस इन्होंने जोड़ने का भाव बनाया है, ये भी बहन है, ये भी बहन है, इनकी ये भी बहन है, बहुत बहुत साधुवाद। श्री श्री नंदन जैन, गुणमाला जैन, राहुल, मेघा, मितांशी, सात्विक, ऋत्विक, पारस जैन, रिता जैन, आकर्षी, सुनील, नीता, निवेश, अनिमेश जैन, सागर, पहले सम्मान करता बुला रहा हूँ, आ तो गए, अब इनके लिए आएंगे, इनके सम्मान करने के लिए मैं बुला रहा हूँ, इनके आ जाए। श्री नंदन जैन, गुणमाला जैन, आइए सीखते से आइए। श्रीमान पड़ारिया जी अनुज हो गए आ चुके। श्रीमान प्रेरक जी जैन अहमदाबाद एवं श्रीमान सुकेश जी जैन कोलकाता, प्रेरक जी आ जाए, यहाँ चढ़ जाओ, आ जाइए। और इसी क्रम में स्वर्गीय श्री देवेंद्र कुमार जी मोदी की स्मृति में श्रीमती उषा देवी, उषा मोदी, ध्रुव, प्रियंका, दिव्या मोदी, मांगुली, मुंगावली, अशोकनगर संबद्ध हुए हैं गुणायतन से संस्थापक के रूप में, इन्हें साधन आमंत्रित कर रहा हूँ, भी आए और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान एन सी जैन साहब एवं श्री एन एल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, सम्मान करने के लिए पहुंचे, आपकी कर्तव्य ध्वनि निरंतर व्यस्त रहे। आ जाए देवेंद्र कुमार जी मोदी की स्मृति, उषा देवी, ध्रुव, प्रियंका, दिव्या, मंगावली, अशोकनगर। स्वर्गीय आलोक गोयल की स्मृति में श्रीमती अनीता गोयल पलाश, प्रियांशी, मोहित गोयल भोपाल, ये संबद्ध हुए हैं, ये भी सीखता से जाए गुरु चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सम्मान करने के लिए साधन आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान ललितेश जी, कमलेश जी जैन, श्रीमान ललितेश जी, श्रीमती कमलेश जैन, श्रीमती शिक्षक गुणायतन, श्री मुकेश जी साथ में आ जाए उनके भाई, सम्मान करने के लिए सीखने से आ जाए। आलोक जी गोयल की स्मृति में अनीता गोयल, प्रियांशी, मोहित गोयल भोपाल। श्रीमान अरुण कुमार जी, प्रतीक जी जैन, ममता जैन, कृति, सृष्टि जैन, ओहाना जैन, मुंशीलाल जैन परिवार फिरोजाबाद, जो आज गुणातन के ट्रस्टी में संबद्ध हुए हैं, फिरोजाबाद से अपने परिवार के साथ आ जाए, सीखते गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सम्मान करने के लिए साधारण मदद कर रहा हूं।
विनोद कुमार जी फरीदाबाद सम्मान करने के लिए गुणायत ट्रस्टी, फिरोजाबाद विनोद कुमार जी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश सम्मान करने के लिए पहुंचे। श्रीमान अरुण कुमार जी, प्रतीक जी जैन, ममता जैन, कृति जैन, षष्टी जैन, ओहाना जैन, मुंशीलाल जैन परिवार फिरोजाबाद का सम्मान करेंगे। और आज गुणायतन से परम पूज्या भक्तिमती माता जी के गृह जीवन के सुपुत्र श्री शरद जी सिंघई, श्रीमती प्रतीक्षा सिंघई, प्रतीक्षागंज जो प्रमाणिक पाठजन पाठशाला की कोऑर्डिनेटर हैं कैलिफोर्निया, क्यू पर्यटनो कैलिफोर्निया से, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। आपकी करतल ध्वनि के साथ इन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आ गए आप कैलिफोर्निया, हो गया इनको, आप लोग यहीं रहो, आप लोग यहाँ रहो कैलिफोर्निया। मम्मी कहाँ है? वहाँ रहो, वहाँ वहीं रहो। इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब को भी आए और इनका सम्मान करेंगे। श्री सरदी सिंघई, प्रतीक्षा सिंघई, अनिकेत अनुषा सिंघई, क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया यूएसए। आपकी करतल ध्वनि निरंतर होती रहे, आपकी करतल ध्वनि हमारे कार्यक्रम की गरमा बढ़ाने वाली हुआ करती है, निरंतर करतल ध्वनि। इसी क्रम में आज व्यक्ति सहयोग के लिए गोवा जयपुर से श्री रविंद्र कुमार जी, आशा जी, राजीव जी, आकांक्षा, अर्शिया जैन पाटनी परिवार ने 21,000 की राशि प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं उन व्यक्तित्वों को आमंत्रित कर रहा हूं जो गुरुदेव के चंत्रिक रूप में सुप्रसिद्ध हैं, जिनके नाम भक्ति महनीय है, प्रशंसनीय है। ऐसे श्रीमान अनूप जी, श्रीमती भाषा जी जैन, वरिष्ठ IRS कमिश्नर साहब भोपाल हमारे बीच में हैं, साधन आमंत्रित कर अपने परिवार के साथ आए गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ मंच में अपने परिवार के साथ। और इनका सम्मान करने के लिए पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन, श्रीमान NL जैन साहब एवं श्रीमान कार्य अध्यक्ष श्री NC जैन साहब को भी आए, तीनों ही इनका सम्मान करेंगे। आपकी कृतज्ञता ध्वनि निरंतर बसती रहे कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित हो रहा है जिसके व्यक्तित्व के कारण जैन समाज, जैन धर्म गौरवान्वित हो रहा है। ऐसे श्रीमान अनूप जी, श्रीमती भाषा जी जैन, कमिश्नर साहब भोपाल, और महिलाओं की ओर सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं प्रति बहन शकुन दीदी को जो सागर से गुणायतन ट्रस्टी है, सम्मान करने के लिए पहुंचे। श्रीमती भाषा जी का सम्मान करने के लिए हमारे बीच में आज श्रीमती विजेता हर्ष जैन चेन्नई, निवासी लखनऊ, प्रवासी चेन्नई, जो प्रमाणिक समूह की पाठशाला की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। विजेता जी आ जाए सीता के साथ, और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ही CFO श्रीमान सुनील जैन साहब को, श्रीमान अरुण जी गंगवाल, अरुण जी गंगवाल ट्रस्टी गुणायतन रांची सम्मान करने की पहुंचे। श्रीमती विजेता जी, हर्ष जी जैन चेन्नई, प्रमाणिक समूह कोऑर्डिनेटर चेन्नई, प्रमाणिक पाठशाला की है ना, प्रमाणिक पाठशाला की, प्रमाणिक पाठशाला की कोऑर्डिनेटर, वही तो बोल रहा हूँ, प्रमाणिक पाठशाला की कोऑर्डिनेटर श्रीमती विजेता जी, हर्ष जी चेन्नई, गुरुदेव चरणों की अभिवंदन करेंगी, आशीर्वाद प्राप्त करेंगी, उनका सम्मान करेंगे गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी, गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अरुण जी गंगवाल। आइए आपकी कर्तव्य ध्वनि निरंतर होती रहे। आओ पहुंचो पहुंचो, लेकिन हो गया नहीं मोमेंट। आज हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति विराजमान है जो जैन धर्म के नहीं अपितु अनेक सभी संस्थाओं के अनेक अनेक कार्यक्रमों के कार्यक्रम बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी बुद्धि के साथ संचालित किया करते हैं, जो आचार्य भगवान विद्यासागर के एक सुपात्र के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे श्रीमान अमित जी, अमिता जी पराड़िया अपने जीजा जी श्रीमान राजेश जी, बबीता जी पुणे के साथ उपस्थित हैं। वे गुरुदेव चरणों के बंदनार्थ पहुंचे, गुणायतन ट्रस्टी हैं, गुरुदेव चरणों के बंदनार्थ उपस्थित हों, वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए पुनः आमंत्रित कर रहा हूं आप दोनों को, श्रीमान CFO गुणायतन सुनील जी एवं श्रीमान अरुण जी गंगवाल, सम्मान करके गुणायतन की महिमा को
महिमा मंडित कीजिएगा। आपकी कर्तव्य ध्वनि निरंतर बजते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित हो रहा है जो गुरु भक्ति अगाध है और जो निरंतर धर्म कर्मियों में संलग्न रहते अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, श्रीमान अमित जी पड़रिया, अमिता जी पड़रिया, राजेश जी, बबीता जी अनपुड़े। चलिए, और अब मैं आप सबको लिए चलता हूं इसी चरणों में, जहां जाकर के हम प्राप्त कर पाते हैं अपने जीवन के कठिनतम सॉल्यूशन, कठिनतम समस्याओं के सरलतम समाधान, जिनके श्रीमुख से हम अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त करके अपने जीवन को धन कर पाते हैं, ऐसे गुरुचरणों में मैं लिए चलता हूं। पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आज गुणातन जो ट्रस्टी संबद्ध हुए हैं, श्रीमान अरुण जी, ममता जी जैन फिरोजाबाद, जो आज ही गुणातन की संस्था सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं, तैयार हैं उपस्थित हों, और तैयार हैं श्रीमान विनोद जी, नीना जी जैन, उनके यात्रियों के साथ बहुत सारे यात्री संघ लेके आए हैं फिरोजाबाद से, वे तैयार हैं गुणातन ट्रस्टी हैं। श्रीमान अरुण जी, ममता जी प्रश्न प्रस्तुत करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे जो बच्चे हैं हम उन्हें जब अपने संस्कार नहीं दे पाते और वो धर्म में आगे नहीं बढ़ते हैं तो अंदर से कुछ गुलानी होती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जो बच्चे हमारे धर्म में आगे बढ़ें? देखिए, बच्चों को संस्कार जब उनकी संस्कार की उम्र है उस समय देना चाहिए। सबसे पहले चूक तो ये हुई कि जिस समय उनको संस्कार दिया जा सकता था उस समय संस्कार नहीं दिए, क्योंकि तब आप खुद भी व्यस्त रहे। अब जब समय निकल गया तब संस्कार देने की बात करते, तब तक वो अपने दूसरे रंग में रंग चुके होते। तो ऐसे समय में हमें भाव तो रखना चाहिए पर व्याकुल नहीं होना चाहिए। समय काल के अनुरूप उन्हें अवसर के अनुरूप थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन देना चाहिए। अगर उनके मन में समझ जग जाए तो जुड़ने में देर नहीं लगते। आपकी तरह एक सज्जन की बड़ी पीड़ा थी, उनका बेटा धर्म से विमुख सा था। वो बड़े दुखी रहते थे कि मेरा बेटा धर्म नहीं करता, आखिर मेरे घर की परंपरा कैसे चलेगी। एक दिन उन्होंने अपनी व्यथा मुझसे कही। मैंने कहा कभी लेकर आओ तो बात करूं। बोला महाराज वो आना ही नहीं चाहता। मैंने कहा ठीक है, अब तुम कभी बोलना मत पर मैं उसको पकड़ लूँगा। संयोग से मेरा जब उसके यहाँ आहार हुआ, वो आहार देख रहा था, मैं उसे पहचान गया। आहार पूर्ण होने पर मैंने उसे अपना कमंडल पकड़ा दिया। कमंडल पकड़ाया, अब तो उसको आना ही पड़ा। आकर के बैठा, और वो बैठा नहीं कि एक साथ घर भर के लोग टूट पड़े। बोले महाराज इसको बोलो थोड़ा धर्म करे, ये बड़ा नास्तिक। मैंने कहा सबसे पहले तुम लोग ये नियम लो कि इसको कुछ नहीं बोलेंगे। सबको शांत किया। सबके जाने के बाद मैंने उससे पूछा क्या मामला है। बोले महाराज मैं धर्म करना चाहता हूँ पर इन लोग कारण धर्म नहीं कर पाता। मतलब? बोले महाराज जी सवेरे से मेरी मम्मी और घर भर के सब लोग मुझे ढेर सारा प्रवचन सुनाते हैं, सबकी नज़र में मैं नरकगामी हूँ, ये लोग मुझे नास्तिक कहते हैं, मुझे यही कहा जाता है ये तो नास्तिक है, ये नरक जाएगा, ये कुल का गौरव बर्बाद करेगा। तो महाराज इनकी बातें सुन सुन करके भी मुझे चिढ़ सी हो गई और मुझे इनकी बात सुनकर न मानने में बड़ा मज़ा आता है, इससे लोग चिढ़ते हैं। मैंने उसे फिर प्यार से समझाया। आज वो बच्चा प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता है, रात्रि में पानी भी नहीं पीता है। ये बहुत पुरानी बात हो गई लेकिन एक बड़ा परिवर्तन आया। तो संस्कार के नाम पर हम करते क्या, हमें ये भी देखना है।
बच्चों को धर्म करने की प्रेरणा दो, लेकिन उनके पीछे मत पड़ो। आप लोग क्या करते हैं, बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, वो भी हाथ धोकर, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो पीछे मत पड़िए। अब छोटे बच्चों को आप कुछ फोर्सफुली कर सकते हैं, बड़े लोग तो सुनते नहीं, तो उनको धीरे धीरे समझाइए, उनको अपने जीवन की मर्यादा का पाठ कराइए, पढ़ाइए। धीरे धीरे बदलाव आता है, और अगर बदलाव आ जाए तो उनमें ठहराव भी आता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। श्री विरोध जी, श्रीमती नीना जी जैन, अपने सभी सह तीर्थयात्रियों के साथ उपस्थित हों, फिरोजाबाद से तैयार हैं श्रीमान पलाश जी जैन, जो आज वहाँ संबद्ध हुए संस्था परिषद के रूप में, पलाश जी जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। गुरुवर, मेरी यह शंका है, कभी कभी हमारा मन भक्ति में नहीं लगता। उसके फिर से बोलिए। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि कभी कभी हमारा मन भक्ति में नहीं लगता, उसके बावजूद भी हम भगवान के नाम की जाप करते हैं, क्या हमें उसका फल मिलेगा? फिर से बोलिएगा। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि कभी कभी हमारा मन भक्ति में नहीं लगता, उसके बावजूद भी हम भगवान के नाम की जाप करते हैं, क्या उस हमें उसका फल मिलेगा? अरे फिर भी जाप मत छोड़ो, कहीं एक ही बार लग गया तो बेड़ा पार हो गया। आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संख थापि जगताम। अरे आपका दोष रहित स्तवन तो बहुत दूर रहे, आपका नाम भी हमारे पाप को नष्ट करने वाला है, इसलिए मन न लगे तो भी करो, समझिए, पीछे मत रहो। नमस्ते गुरु। उपस्थित हूँ श्रीमान पलाश जैन भोपाल से, और तैयार रहे श्रीमान अमित जी जैन अशोकनगर से, जो संस्थापक सदस्य। पलाश खलो, पलाश जी उपस्थित हो जाए, अमित जी तैयार रहे, अमित जी अशोकनगर, पूरा परिवार खड़े हो जाए, ले लो अपने परिवार के साथ खड़े हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा सवाल बहुत ही छोटा सा है। धर्म से जुड़ने की इच्छा हर किसी में होती है, पर कैसे जुड़ना है वहाँ पे लोगों की गाड़ी रुक जाती है। तो मेरा सवाल बस ये है कि जैसे हमें पढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड, तो ऐसा कुछ होता है कि आप नियम से शुरू कीजिए और आगे कैसे बढ़िए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैं नियम लेना चाहता था कि मैं रोज देव दर्शन करूं, पर देव दर्शन की विधि जब मुझे पता चली सबसे अलग अलग, मैं वहां कंफ्यूज हो गया। बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं चाहूंगा इस बेटे का जोरदार अभिनंदन करूं। आज इसने अपनी माँ को गुणायतन के ट्रस्ट से जोड़ा है, और अभी अभी इसकी जॉब लगी और इसने तय किया हम अपना पहले वर्ष की पूरी कमाई ऐसे कार्य पर लगाएंगे। ये एक बहुत ही अनुकरणीय है। वो युवा यदि इस तरह से आगे आकर करता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। बच्चे जॉब लगने के बाद मौज मस्ती घूमने फिरने की योजना तो बहुत बनाते हैं, पर अच्छे कार्य में अपना द्रव लगाने वाले बहुत बिरले होते हैं, और वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। कोई पुण्य ही है तुम्हारा जो तुम्हारे मन में ऐसा भाव हुआ और खुद आगे आकर के। मौसी ने जबरदस्ती तो नहीं कहा? हाँ नहीं नहीं महाराज जी, अपनी इच्छा से किए ना। अपनी इच्छा से करा, और मेरे भाइयों बहनों का बहुत सहयोग रहता है। बहुत सुंदर। अब सवाल है, इसमें तुम्हारी बहन का भी शेयर है ना? नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारा बहुत बढ़िया। तुम्हारा जो सवाल है कि हम धर्म को स्टेप बाई स्टेप कैसे करें, मैं तुम जैसे युवाओं को केंद्र में रखते हुए कहना चाहूँगा, धर्म का सबसे पहला कदम अधर्म से बचना। क्या? अधर्म नहीं करना। तुम धर्म की क्रियाएं करो या न करो, अधर्म नहीं करना। हरी बत्ती में गाड़ी आगे बढ़ाओ न बढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, पर जहां लाल बत्ती है गाड़ी रुकनी ही चाहिए। समझ गए? तो पहली मर्यादा अधर्म का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। फिर धर्म के क्षेत्र में
सबसे पहला चरण एक जैनी होने का, मद्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग, ये प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग होना चाहिए। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए, मांस भक्षण का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग होना चाहिए, शहद का त्याग होना चाहिए, और पंच उदंबर जो कभी सेवन में नहीं आता उसका भी प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना चाहिए। फिर है कुलाचार का पालन। कुलाचार के पालन के अंतर्गत जीव दया का मन में भाव होना, पंच परमेष्ठी की आराधना करना, अगर देव दर्शन सुलभ है तो देव दर्शन करो, सुलभ नहीं है तो कम से कम उठते ही भगवान का नाम स्मरण करो, नमोकार मंत्र की जाप करो और 24 तीर्थंकरों का स्तवन करो, ये हमारे मूल आराध्य है। सुबह उठते ही कुछ नहीं हो तो ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श जिन राय चंद पहुप शीतल श्रेयांश पुनि बास पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथ अर मल्लि मनाय मुनि सुब्रत नमी नेमी पार्श्व प्रभु वर्धमान पद शिष झुकाय। ये 24 भगवान का एक छोटा सा स्तवन है। अति उत्तम तो यह है कि नमोकार की तरह थो स्वामी स्तव बोलो, थो स्वामी हम जिनवरे, जो कम चलन में वो 24 भगवान की स्तुति करना चाहिए। ये घर बैठे भी कर सकते हैं, पर अगर घर के पास मंदिर है और सुलभता है तो देव दर्शन करो। तुम्हें विधि नहीं आती कोई परवाह नहीं है, सिर झुका के आ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बच्चा भगवान के पास जाकर कुछ बुदबुदा रहा था बहुत देर से, एक ने देखा क्या बुदबुदा रहा है तो पता लगा वो ABCD बोल रहा था, ABCD बोल रहा है। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये क्या बोल रहे हो? बोले मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले ये कैसी प्रार्थना? बोले सुनिए, मैं भगवान को A से Z तक सुनाता हूँ और भगवान से कहता हूँ, भगवान दुनिया की जितनी भी प्रेयर्स बने हैं इसी अल्फाबेट से बने हैं, मुझे शब्द नहीं आते, भाव मेरे पास है, अपनी पसंद की प्रार्थना बना के स्वीकार लेना। विधि आए या ना आए, भावना होनी चाहिए। समझ गए? आगे बढ़ो, ये अगला चरण है। जीव दया का पालन करो, रात्रि भोजन से बचो, पानी को छानने की जो हमारी परिपाटी इनको अपना लो। ये धर्म की एकदम प्रारंभिक भूमिका है। शक्ति के अनुसार परिस्थिति के अनुरूप जितना आप बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, इसी से फिर कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते आखिरी लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। उपस्थित तो पलाश जी, भोपाल पलाश जी, पलाश हो गया, अमित 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 जी अशोक नगर उपस्थित हूँ और तैयार रहे श्री श्री नंदन जी गुणमाला जी जैन परिवार के साथ एक प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरे परिवार वाले भी और कई लोग ये बात कहते हैं, कई जगह सुनी हुई है कि अब तो 5वां काल है और धर्म नष्ट हो जाएगा, इस तरह की बातें रहती हैं। तो काफ़ी डीमोटिवेटिंग सा लगता है कि मतलब धर्म नष्ट हो जाएगा तो उसको हम रोक भी नहीं सकते, तो इसका कुछ उपाय नहीं है क्या महाराज जी? मतलब हम अगर कितना भी प्रचार करें क्या इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता? बहुत सुंदर, पहले एक बार इस परिवार का भी अभिनंदन कर दूं। इस बेटे ने भी आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में अपनी संबद्धता प्रकट करते हुए अपनी भावना को प्रकट किया है। इनके इस सद्भाव का सभी को जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। इसके साथ तेरी बहन का भी योगदान है ना? हाँ, भाई बहन दोनों ने मिलकर के किया है, जोरदार अभिनंदन कीजिए। देखिए, पंचम काल के बाद धर्म नष्ट होगा, बिल्कुल ठीक है, या अवसर्पणी काल ह्रास होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म नष्ट होगा तो हम अपने हाथों से नष्ट करें। हम नाश को रोक नहीं सकते पर उसकी गति को तो थाम सकते हैं ना। हमारी कोशिश, एक धर्म श्रद्धालु की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि वो अपने सामने धर्म को नष्ट होता हुआ नहीं देखना चाहता। और अभी पंचम काल में बहुत दिन बाकी है, अभी तो 2500 वर्ष बचे, 18,500 वर्ष बाकी हैं,
तो 18,500 वर्ष तक चढ़ते उतरते हमारा धर्म आगे बढ़े, इसमें मैं अपना जो योगदान दे सकूं वो जरूरी है। यदि सब ये सोच लिए होते तो भगवान महावीर के साथ ही धर्म चला जाता, समझ गए? इसलिए हम क्या कर सकते ये मत सोचो, हमें क्या करना है ये सोचो। अरे धर्म नष्ट हो जाएगा, हम क्या कर सकते, ये रोनी बात क्यों? होगा सो होगा, हमको भगवान ने क्या उपदेश दिया है कि धर्म का आचरण कर, अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर, हमारा मार्ग खुल जाए। ठीक है, बोलो। उपस्थित हो श्री नंदन जी, एक मिनट। हाँ बोलो बोलो, बोलो। हाँ स्वामी, अभी हम ऐसे जीवन के पड़ाव में हैं जहाँ हमें एक के बाद एक चीज़ें हासिल करने का मन होता है, लक्ष्य बनाते हैं, तो ऐसे में अपनी इच्छाएं लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं में भेद कैसे जाने? इच्छाएं लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं में भेद कैसे जाने, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखो, इच्छा होना बुरी बात नहीं, लक्ष्य बनाना भी बहुत जरूरी है और महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, हमारी इच्छा असद इच्छा में परिवर्तित न हो जाए। जो भी इच्छा हो वो शुभेच्छा हो सद इच्छा हो, ये हमें देखना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यदि वो हमारी मर्यादा या सामाजिक मर्यादा का हनन करने में कारण बन रही है तो वो असद इच्छा है, वो यदि हमें भीतर से परेशान कर रही है तो असद इच्छा है। उस इच्छा को हमें शुभेच्छा में बदलने की कोशिश करनी चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ऐसा लक्ष्य नहीं जिसे हम पूरा भी न कर पाए, और एक बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्यों में बांटकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि लक्ष्य तक हम पहुंचने में आसानी पा सकें। महत्वाकांक्षाएं बुरी चीज़ नहीं है, पर कुंठित महत्वाकांक्षा से बचनी चाहिए। हम महत्वाकांक्षा का पालन करें लेकिन उतना ही जितना हमारी योग्यता है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आपकी करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित हैं दिगंबर जैन स्वामी गोरा पुत्र श्रीमान अनूप जी, भाषा जी जैन, कमिश्नर भोपाल, और तैयार रहेंगे अनिल जी जैन, बबली जैन जो ग्राम लोहारी सागर से हैं, समर्पित गुरु भक्त हैं, आप तैयार रहेंगे। बड़े भैया हैं अनूप जी के। नमस्ते गुरु जी, हमारे साथ ग्राम पूजन पुण्य दल के कुछ सदस्य आए हैं, आप भी खड़े हो जाएं। और गुरु जी, हम तो आपके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपके आशीर्वाद से हमारा ग्राम पूजन पुण्य दल काफ़ी आगे बढ़ गया है, और हमारे गांव में अभी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं होती जा रही हैं। आपके दोबारा कदम पड़े उसके पहले बड़ी व्यवस्थाएं करनी हमको, उसी तैयारी में। गुरु जी, मैं अभी जो आज के प्रश्न चल रहे हैं उनको सुन रहा था, वो प्रश्न जिस तरफ जा रहा है वो यही कह रहे हैं कि हम अगली पीढ़ी में कैसे संस्कार लाएं या कैसे धर्म को संरक्षित करें। मेरा उसी से संबंधित क्वेश्चन है गुरु जी, कि हमारे जो नई पीढ़ियां हैं, जैसे कि आप बता रहे थे पंचम काल की ओर बढ़ रहे, धर्म कम होगा धीरे धीरे पंचम काल में, तो अब जो गुरु जी नई पीढ़ी मंदिर जाती है या मंदिर जाना चाहती है, तो हम ऐसा कहना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो समाज में जो ज़्यादा ज्ञान रखते बहुत ज़्यादा उनको टोकते, आप ऐसे कपड़े मत पहनिए, ऐसे मत करिए, यहाँ उतारिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे जब घर से बाहर पढ़ते तो उनके मन में विकल्प आते कि इससे अच्छा तो जाए ही ना जाए, क्योंकि जैसे लड़की कॉलेज के लिए निकलती है अब उसके वस्त्रों पर बहुत प्रश्न उठाएंगे, आप ऐसे कपड़े पहन के मत जाइए, उसको कॉलेज के रास्ते में मंदिर करना था तो हो सकता है मंदिर ना भी जाए कि मैंने तो मंदिर के कपड़े नहीं पहने। फिर मेरा गुरु जी इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न है कि जैसे मैं हूँ, मैं चाहता हूँ मैं बम्बई जाऊँ तो अपनी परंपरा को जिंदा रखते हुए खान पान भोजन सब वैसे ही करूँ, पर गुरु जी ऐसी व्यवस्थाएँ मिल नहीं पा रही अब, जो 20-30 साल पहले हमारे पूर्वज मानते थे हम जिन धर्मशालाओं में जाएँ वहाँ उतनी अच्छी रुकने की व्यवस्थाएँ नहीं होती, हमारी जैन धर्मशालाएँ उतने अच्छे शौचालय नहीं होते, गद्दे तक ये सब चीज़ों की व्यवस्थाएँ कम होती हैं, जबकि हमारे पास पैसा बहुत है और हम बहुत जल्दी बड़े बड़े निर्माण कर रहे हैं, पर धर्मशाला है और इस जगह पे हमारी समाज पीछे है, तो आपका उपदेश इन दो संदर्भ में चाहता हूँ। पहले तो मैं कहूँगा एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें, ये एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बाद में है, एक अच्छा श्रावक पहले,
मैं अनूप भाई का परिचय आप सबको दूंगा। ये इस युवा ने इसका गांव सागर जिले के एक छोटे से बहुत छोटा रिमोट एरिया में वहाँ मंदिर, गांव खाली हो गया जैसा कि ज़्यादातर गांवों के साथ हो रहा है, इसने एक बहुत अच्छी बड़ा अच्छा उपक्रम किया कि गांव और आसपास के गांवों के मंदिरों की पूजा अर्चा और प्रबंध व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्होंने ग्राम पूजन पुण्य दल बनाया। ग्राम पूजन पुण्य दल और करीब 50 से ज़्यादा युवा, और उसका ये सुपरिणाम है कि सागर जिले के सभी मंदिरों में रौनक लौट आई है। ये लोग खुद जा जा कर के सप्ताह में एक बार दो बार पूजन करते, आराधन करते हैं। ये भोपाल से अपने गांव जाकर करते हैं, और इनके गांव लोहारी में तो मैं गया हूँ, देखकर मैं भी अचंभित रह गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और एक व्यक्ति के आगे आने से इतना सब कुछ हो सकता है। ज़्यादातर जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमारे धार्मिक सामाजिक कार्यों से बहुत दूर हो जाते हैं। मुझे इस रूप में अनूप पहला मिला जो इस कार्य के लिए पूरी तरह अपने आप को लगाया है, और बड़े गर्व के साथ, इसलिए एक बार इनका जोरदार अभिनंदन होना ही चाहिए। और उसकी इसी भावना का प्रताप था कि हम अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में भी दो दिन का समय इनके गांव के लिए निकाल पाए, और वहाँ हमारा प्रवास हुआ जब हम नेमावर से इधर आ रहे थे। तो आज भी उसमें लगे हैं। ऐसी ही प्रेरणा अन्य लोगों को लेनी चाहिए। यदि हमारी समाज का युवा वर्ग और सक्षम लोग इस तरह के उपक्रम शुरू करते हैं तो हमारा कोई भी मंदिर, कोई भी धर्मायतन उपेक्षित नहीं रह पाएगा। सही प्रयत्न हो, छोटा सा भी हो, तो परिणाम जरूर निकलता है। सवाल है कि नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी किस तरीके से ट्रीट करे। पुरानी पीढ़ी प्रेरणा दे, थोपे नहीं। आदेश और वर्जनाएं अच्छी नहीं लगती। प्रेरणा और प्रोत्साहन सब काम करा देते। प्रायः लोग तरह तरह से आदेश देते रहते हैं, वो थोप देते हैं और कुछ वर्जनाएं लगा देते हैं, ये करो और ये मत करो। ये चीज़ें हर जगह नहीं हैं। इसकी जगह हमें ये करना चाहिए और ये करना नहीं चाहिए, ये करने योग्य है और ये करने के अयोग्य है, ये समझाइश मिले तो ज़्यादा अच्छा हो। प्रेरणा देना अच्छी बात है, प्रोत्साहित करने से हम सबको कर सकते। टोका टाकी से तो बड़ा गड़बड़ होता। मैं अपने जीवन का एक अनुभव सुनाता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, मंदिर दर्शन करने यदा कदा चला जाया करता, जैसा बड़ों को देखा वैसा करता था। तो बहुत सारे बड़े जो होते थे खड़े खड़े भगवान को ढोक दे देते थे, और बस खड़े खड़े, अपन को भी कुछ आता जाता नहीं था, नमोकार बोले, खड़े खड़े ढोक दिए और चल दिए, चावल चला दिए। तो वहाँ एक बाई जी थी, उनका नाम था बसंती बाई जी, ब्रह्मचारिणी। मैं एक रोज दर्शन कर रहा था और उन्होंने रूटीन की तरह दर्शन किया और जोर से डपटते हुए उन्होंने कहा, ए छोरा ढोक दे ढोक। मैं फर भाग गया, बहुत छोटा था। अब उसके बाद मुझे मंदिर जाने के लिए बोले तो मैं कहता मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, बाई जी डांटती है। मैं मंदिर जाना बंद कर दिया, मैं दीपावली तक मैं मंदिर नहीं गया। तो ये चीज़ें कईयों के साथ हो सकती हैं, इसलिए सभी से मैं कहता हूँ, बच्चे मंदिर आए जाए तो उसे मत टोको। कैसे भी कपड़े पहनकर मंदिर आए, उनको दर्शन करने दो। दर्शन करके जब वो निकलने लगे, प्यार से एक किनारे बुलाओ और उनसे कहो, बेटा मुझे बहुत प्रसन्नता है और तुम्हारी धार्मिक भावनाओं से मैं अभिभूत हूँ कि तुम कॉलेज जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, तो भी टाइम निकाल करके भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हो। दिखता है तुम बहुत व्यस्त हो,
और ऐसे व्यस्त लोग जब मंदिर आते हैं तो मन बड़ा गदगद दिखता है, गदगद हो जाता है। पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर मंदिर जैसे कपड़े पहन कर आओ तो सोने में सुगंध जैसी बात हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं बोला जा सकता? अब एक बार बोल के देखिए, दूसरे दिन उसकी ड्रेस बदल जाएगी। है ये ड्रेस पहन करके मंदिर आने का क्या तरीका है तुम्हारा? तुमने मंदिर की मर्यादा खंडित कर दी। उसने मंदिर की मर्यादा खंडित किया नहीं कि तूने मर्यादा कहां बचाई? तू तो लठ बरसाना शुरू कर दिया। लठ बरसाने में मर्यादा कहां है? थोड़ी सी समझ। इसी तरह अभिषेक पूजन आदि शांति धारा आदि की क्रियाओं में यदि किसी से कोई चूक होती है उस समय कुछ मत बोलो, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ना। मूवमेंट में टोकना अच्छी नहीं, अच्छी बात नहीं। मूवमेंट खत्म हो जाए तसल्ली से चार आदमी के सामने बोल दोगे तो और वो मन टूटेगा। व्यक्ति का मान रक्षित करते हुए आप उससे चाहे जो काम करा सकते हो, और व्यक्ति के मान पर चोट कराकर, चोट पहुंचाकर कुछ भी नहीं करा सकते। इसलिए ये दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर की में कोई मर्यादा न रहे, मर्यादाएं तो होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है तो उसको उपेक्षा और तिरस्कार के भाव से नहीं देखना चाहिए, उसे दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है। मैं एक घटना सुनाता हूँ। जैन जगत के एक बड़े ख्यात नाम सेठ थे, सेठ सुगंधदास जी, जिन्होंने हस्तिनापुर का मंदिर बनाया। हस्तिनापुर का जो बड़ा मंदिर है सेठ सुगंधदास जी के द्वारा निर्मापित है। बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, इतने समर्थ थे कि राजाओं को लोन दिया करते थे। अब उनके वो रोज मंदिर में बैठकर स्वाध्याय करते थे। नगर सेठ थे, दिल्ली के नगर सेठ। एक नई बहू आई किसी दूसरी सृष्टि के परिवार में, वो मंदिर में कुछ ज्यादा सज धज कर आ रही। अब नई बहू है, सज धज कर आ रही है, अगर उसको टोकूं तो मर्यादा टूटती है और न टोकूं तो मर्यादा टूटती है, क्या करा जाए? सेठ जी बड़े अनुभवी थे, ध्यान से सुनना बात को। सेठ जी बड़े अनुभवी थे, वो घर आए। घर आकर अपनी धर्मपत्नी से कहा, कल दिन के इतने बजे तुझे मंदिर आना है और जितना सज संवर के आ सको आना है। अब क्या, अगर पति और वो भी नगर सेठ मंदिर आकने के लिए और सजने संवरने के लिए कहे तो इससे बड़ी बात क्या होगी? वो 16 सिंगार करके मंदिर पहुंची, आभूषणों से लदकर, और ठीक उसी समय पहुंची जिस समय वो नौ बहू पहुंचती। दोनों के पैर एक साथ अंदर पड़े और वो वहीं स्वाध्याय करते थे, वहां उनका आसन था। दोनों जैसे अंदर पैर रखे सेठ जी की नजर पड़ी और सेठ जी ने कड़कते हुए कहा, ये मंदिर है या वेश्या का घर? इतना सुनना था कि उनकी धर्मपत्नी तो एकदम शक्ति मांगी, ये क्या? और वो फुर्र हो गई, गायब हो गई। अब पत्नी उल्टे पांव लौटी, तुरंत 5-7 मिनट बाद ये घर पहुंचे। धर्मपत्नी तो एकदम बिफरी हुई, क्या इसी के लिए आपने मुझे ऐसा कहा था? आपको मुझे इस तरह से अपमानित करना था? उनने अपनी धर्मपत्नी को गले लगाया और कहा, प्रिया तुझे अपमानित करने की बात तो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता, पर मैं सोचता था कि मर्यादा को बचाना मेरा कर्तव्य है, वो दूसरे की बहू है, उसे मैं टोक नहीं सकता था, तू मेरी पत्नी है, तुझे मैं टोक सकता हूँ, अधिकार। तुझे तकलीफ हुई इसके लिए मुझे माफ कर, पर मुझे अब पता है कि कल से कोई बहू मर्यादाहीन होकर मंदिर में नहीं आएगी। मैंने एक केवल प्रयोग किया, मैं पुनः तुझसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। उनकी धनपत्नी सेठ जी की इस विराट दृष्टि को देखकर चरणों में गिर पड़ी कि सच में आप महान हैं।
ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, सत्य घटना है। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, एक पुस्तक है जैन जागरण के अग्रदूत, अयोध्या प्रसाद गोयली की कृति, जरूर पढ़िए भारती, जैन जागरण के अग्रदूत। उनमें इस तरह के बहुत सारे प्रसंग लिखे हैं। अयोध्या प्रसाद गोयली ने बड़े रोचक तरीके से लिखा है, भारतीय ज्ञानपीठ से शायद प्रकाशित है। तो ये उदाहरण हम क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं? ये तभी होगा जब आपके हृदय में धर्म होगा, और इसकी महती आवश्यकता है। हमें खुद बेहद सकारात्मकता, संवेदनशीलता और गंभीरता का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। उपस्थित हूँ ग्राम पूजन पुण्यदल लोहारी के सोनू अनिल जी, सोनू जी, रूपेश जी, गौरव जी, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। और तैयार रहेंगे श्रीमान अमित जी जैन, मॉडल टाउन जबलपुर, मॉडल टाउन दिल्ली। महाराज श्री ग्राम पूजन पुण्यदल जिला सागर के सभी सदस्यों की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आपकी आशीर्वाद से ग्राम पूजन पुण्यदल लोहारी एवं अरहम ग्रुप ग्राम मंदिरों के संरक्षण एवं पूजन के लिए बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। पर महाराज जी इसमें एक समस्या और दुविधा है हम लोगों की, कि जैसे आपके जैसे साधु या अनूप जी जैसे कमिश्नर साहब ग्राम मंदिरों में जब उपस्थित रहते हैं या ग्राम मंदिरों में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता है तभी लोग ग्राम मंदिरों से जुड़ते हैं और तभी भीड़ एकत्रित होती है। कुछ समय के लिए लोग जुड़ पाते हैं, हफ्ते दो हफ्ते पूजन करने भी जाते हैं, पर हम लोगों को निरंतर जोड़ने में थोड़ा सा असमर्थ हैं। और इसमें आपसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहते हैं कि किस प्रकार हम लोगों को ग्राम मंदिरों से निरंतर जोड़ पाए। देखिए स्वाभाविक है, साधु संत आते हैं तो उत्सव हो जाता है। साधु संत की जैसा वातावरण हमेशा बना रहे तो ये तभी संभव है जब तुम साधु संत बन जाओ, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो चलो कम से कम जब साधु संत आए तब तो ऐसा हो, और उस समय आए महीना दो महीना चार महीना तो रौनक रहती है, दस पांच नए ग्राहक आते हैं, फिर साल में एक आध कोई साधु संत को लाने का प्रयास करो, साधु संतों से प्रेरणा प्राप्त करते रहो। और कदाचित साधु संत तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकते, ग्रुप में साधु संतों के पास जाओ और ग्रुप में जाकर के उनसे आशीर्वाद लो, साल भर की बातें बताओ और आगे के साल भर का कार्यक्रम ले लो, तुम्हारा सब रिन्यूअल हो जाएगा और रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। उपस्थित हों मॉडल टाउन दिल्ली से श्रीमान अमित जैन, और तैयार हैं श्रीमान अमित जी, अमिता जी पड़रिया, श्री राजेश जी, बमिता जी जैन पुणे, साथ में इंजीनियर गौरव जी जैन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, आज दिल्ली जैसे महानगरों में हम प्राय देखते हैं मंदिर में सुबह तो भीड़ रहती है, सभी लोग आते हैं अपनी पूजा पाठ करते हैं, अगर शाम को स्वाध्याय होता है तो दो या चार बंदे ही नजर आते हैं, और सब जैन धर्म को जो मान रहे हैं परंपरागत तरीके से या अपने अनुसार उसको ढाल लेते हैं, उसकी जो आगम सम्मत बातें हैं उनको छोड़कर वो उसको थोड़ा ढाल कर अपने अनुरूप बना लेते हैं। तो गुरुदेव हम ऐसे कैसे जिनवाणी को बचाएं या अपने जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को बचाएं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी जब हम ही लोग स्वाध्याय से बचते जा रहे हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल ही स्वाध्याय खत्म होता जा रहा है। गुरुदेव ऐसा है कि आप लोगों का जो सोशल मीडिया का स्वाध्याय इतना बढ़ गया कि अब स्वाध्याय नहीं मिलता। जी गुरुदेव, और अब तो एक सर्वे रिपोर्ट मेरे पास आई थी कि अब तो लोग पढ़ने की आदत ही कम हो गई। जी गुरुदेव, ज्यादातर समय स्क्रीन पर गुजरने लगा। ये हमारे देश की प्रतिभा को कुंठित करने वाली बात है, हमें इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और स्वाध्याय के प्रति उसकी ही रुचि जगती है जिसके अंदर भाव भीरुता आती, हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के हृदय में भाव भीरुता जगाए, तो अपने आप उन चीज़ों से जुड़ेगा। पर कदाचित सीधे स्वाध्याय से कोई नहीं जुड़ सकता, तो उनको पहले प्रवचनों से जोड़िए, प्रवचन से भी बड़ा ज्ञान मिलता है और लोगों का जीवन बदलता है। मेरे संपर्क में हजारों लोग ऐसे हैं
जो केवल प्रवचन और शंका समाधान से अपने जीवन को परिवर्तित किए हैं, बदले हैं और आज आगे बढ़े, और प्रवचन से वो फिर स्वाध्याय से भी जुड़े। अब ये जो प्रामाणिक समूह है, प्रामाणिक समूह कोई किसी संस्थान में पढ़ा हुआ नहीं है, ये प्रवचन से प्रेरित होकर के आगे बढ़ा हुआ है और इतना सब प्रभावना का कार्य कर रहे हैं। तो मैं उन सब लोगों से कहूँगा जिनकी स्वाध्याय में कम रुचि है, वो प्रवचन और शंका समाधान सुनना शुरू करें। उससे उनकी धर्म में रुचि बढ़ेगी, और जब धर्म में रुचि बढ़ेगी तो स्वाध्याय की अभिरुचि भी आपो आप बढ़ेगी। नमस्ते गुरुदेव। अमित जी, अमिता जी, अमित जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो संचालक हैं प्रोग्राम के, ट्रस्टी भी हैं, अपने बहन बिनोई राजेश जी भी सब प्रस्तुत करेंगे प्रश्न, साथ में आमंत्रित हैं इंजीनियर गौरव जी जैन। मैं गौरव जी जैन को आमंत्रित कर मंच में आए, गुरुदेव चरण की वंदना करेंगे। ऐसे व्यक्तित्व गौरव जी के नाम से जाना जा रहा है, जानते हैं, जिन्होंने कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के निर्माण में अपना 100% अवदान देकर अपने जीवन को धन्य किया है, कर रहे हैं। बहुत कर्तव्य होने के साथ गौरव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आए गुरुदेव चरण की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, गौरव जी अपने परिवार के साथ आ जाए और यहाँ तैयार है प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए अमित जी। और उसके बाद अमित जी को संबंध में अपनी बात भी रखनी है, पहले प्रश्न कर लें। इनका सम्मान करने के लिए आदर समझते हैं श्रीमान अनूप जी भाषा जी जैन, कमिश्नर साहब भोपाल, सम्मान करने के लिए आए। आपकी कृतल ध्वनि निरंतर होती रहे। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने मंदिर की, बड़े बाबा की मंदिर के निर्माण के लिए, बड़े बाबा की नहीं, अभी इनके कंधों पर डूंगरपुर के मंदिर के निर्माण की भी जिम्मेदारी दी गई है गुरुदेव के आशीर्वाद से, उसे पूरा करने की कृतल ध्वनि निरंतर होती रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस युवा ने और इसके साथ रेशु भाई ने अपना बहुत अथक प्रयत्न किया है कुंडलपुर के मंदिर के निर्माण के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी, बहुत बहुत आशीर्वाद। संदीप जी और सोनू जी भी एक साथ आ जाएं, चूंकि समय सीमित है और एक साथ ही प्रश्न कर लेंगे। और महाराज जी, मैं तो अपनी बात करूंगा, पहले बच्चों के प्रश्न, एक दो प्रश्न इन लोगों के कर लो। नमोस्तु महाराज जी। सो मेरा प्रश्न ये है कि जो वीगन होते हैं, वीगनिज्म, तो वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, गाय और इन सबों, उन सबको दर्द होता है जबी भी डेयरी, तो वो लोग वो यूज़ नहीं करते। जब हम अहिंसकवादी हैं तो हम क्यों डेयरी? देखिए, बहुत अच्छा वीगनिज्म अच्छा है, लेकिन ये अवधारणा कि जो कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट है वो लेने योग्य नहीं है, सही नहीं। दूध में और मांस में, रक्त में बड़ा अंतर है। दूध रस है, रक्त नहीं। दूध तो शरीर में उत्पन्न होता है, अगर गाय के शरीर से दूध निकाला जाए तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती, अभी तो दूध न निकाला जाए तो उसे तकलीफ होती। तो जैसे एक माँ के लिए भी अतिरिक्त पोषण दिया जाए तो उसके शरीर में अपने बच्चे के अलावा भी दूध आ सकता है। गाय को चारा खिलाते हैं, गाय दूध देती है, तो उसका संरक्षण होता है, उसको पालते हैं। अगर लोग गायों का दूध पीना बंद कर देंगे तो लोग गायों को क्यों पालेंगे, या किसी भी गोधन को क्यों पालेंगे, पशु को क्यों पालेंगे, फिर तो उनको सब कत्ल कर देंगे। तो वो हमें देते हैं, हम उनको देते हैं, वो हमारे परिवार का एक अंग है, समझ गए। और हम लोगों के यहाँ एक परंपरा है, परिवार में चूल्हे की पहली रोटी गाय को दी जाती, क्यों, उसे हम अपने परिवार का अंग मानते हैं, अपने से ज़्यादा चिंता उसकी करते हैं। इसलिए दूध हमारे यहाँ विधेय है। 24 तीर्थंकरों ने ऋषभ देव को छोड़कर सबने अपना पहला हार क्षीरान्न से लिया है, दूध लेने में कोई बाधा नहीं है। दूध को रस कहा है, रक्त नहीं। दूध से गाय को कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ, दूध को निकालने के लिए अगर क्रूरता अपनाया जाए तो वो उचित नहीं है। बछड़े को उसके हक का दूध न मिले तो ये उचित नहीं है। ऑक्सीटॉक्सिन आदि लगा करके अगर दूध का प्रयोग करे तो ये ठीक नहीं। महाराज श्री जी, मेरी ये बेटी सन 2023 में आखिरी अंक 3 बार का है, और आपके चरणों से इसको ऐसी लगन लगी कि ये सन 2023 में 3री बार सम्मेलन शिखर में आपके चरणों में आ रही है। मैंने इसके सामने 3-4 ऑप्शन रखे थे कि चाहो तो दिल्ली चल सकते हैं सिर्फ इसकी परीक्षा लेने के लिए, और भी 2-3-4 जगह बोला कि छुट्टियां पड़ी हैं, अगर चलना चाहो तो वहां चलें। लेकिन ये बेटी कहती है कि मुझे तो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पास जाना है, मुझे तो सम्मेद शिखर जाना है। तो ये बेटिया का प्रश्न है, और चूंकि और भी लोग साथ में आए, सबके प्रश्न संभव नहीं है, तो इस प्रश्न के बाद हम विराम ले लेंगे। संदीप जी नागपुर साथ में आके बस खड़े हो जाए, मेरा आग्रह उनसे। नमस्ते
नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो घर की लड़कियां होती है उन्हें अपने दादू या पापा के पैर पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? मना किया जाता है, दादू मना करते हैं। अलग 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 परंपराएं हैं, बुंदेलखंड में ये मनाई है, बाकी प्रांतों में नहीं है, समझ गए? तो अगर वो मना करते हैं तो इसके पीछे एक वजह मुझे समझ में आती है, वो इसलिए कि बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, और लक्ष्मी पैर पड़ेगी तो फिर अच्छी बात नहीं है, लोग लक्ष्मी को पूजते हैं, लक्ष्मी से पूजवाना नहीं चाहते, शायद इसलिए ऐसा नहीं करते होंगे। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि कन्या पैर न पड़े, पर जहाँ जैसी परिपाटी है उसको अपना लेना चाहिए। पैर न पड़ो, प्रणाम तो कर ही सकते हो, प्रणाम करने में कोई बाधा तो नहीं है, इसलिए जिस देश की जो परिपाटी वो करे। और जगह तो बहुत से प्रांतों में पैर पड़ते, इस तरफ तो पैर पड़ने में कोई गुरेज नहीं है, बुंदेलखंड की ये विशेषता है। मैं समझता हूँ इसको देखकर वहाँ की सब बच्चियों को गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे लिए हमारे पुरखों ने अतिरिक्त सम्मान दिया। अमित जी आज अपनी बात रखने के लिए मंच में, एक मिनट गौरव को दे दो, गौरव को दीजिए एक मिनट में बोलना। महाराज जी के चरणों में त्रैवा, नमोस्तु भगवान नमोस्त। महाराज जी आपके निर्देशन में जो गुड़ायतन में मंदिर बन रहा है, आज मैंने उसको बहुत बारीकी से देखा। महाराज जी बहुत सारे मंदिर देखे देश के, स्वामीनारायण संस्था के, जैन समाज के, लेकिन अपने शब्दों में भी हम बखान नहीं कर सकते कि गुड़ायतन के मंदिर की जो फिटिंग है, जो नक्काशी है, वो बहुत 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 अद्भुत है। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार इस मंदिर को जरूर बहुत बारीकी से देखें कि महाराज जी ने इतना अच्छा कैसे सोचा है। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से आपके निर्देशन में जो गुड़ायतन ट्रस्ट और जो प्रबंधन है वो इतना अच्छा कैसे है? हम लोग भी बहुत सारे ट्रस्टों को देखते हैं और ट्रस्ट में काम भी कर रहे हैं, तो महाराज जी ऐसी कुछ बातें हमारी कमेटियों को आप समझाएं या बताएं कि जो गुरुवर ने सपने देखे हैं वो तय समय पे हम पूरे कर पाएं, ऐसे कुछ आप उपाय। एक सूत्र अपना लो सब कमेटी के लो, गुरु के पलक देखो और काम करने को तैयार हो जाओ। गुणायतन की सफलता का राज केवल यही, यहाँ की टीम पलक के इशारे पर काम करने को तत्पर होती है, इसलिए माथा पच्ची का कोई काम नहीं, केवल काम होता। जो एक बार निर्णय हो जाता है उसके बाद फिर कोई सवाल नहीं होता, लेकिन केवल ये देखते हैं कि भावना क्या है और करना क्या है, अंजाम होता है। गुरुओं की शरण में जाकर अपना दिमाग लगाओगे तो अपने जैसे रह जाओगे, और गुरु शरण में जाकर गुरु का अनुसरण करोगे तो गुरुता पा जाओगे। तुम्हें तय करना है क्या करना है, उसी अनुरूप जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम, बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336973720219। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई, www.rajguruastrologer.com।